खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती खवातीन और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। क्या बात है कि आप 20 मिनट तक अगर लड़की को देखें और अगर आपको कुछ ना हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं? अरे ये डॉक्टर साहब ने अपने देखें तो आपको कुछ होगा यार, ये क्या फजूल बात है। एक्चुअली मेरी माँ बहन ना भी और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने ऊपर काबू है। ताकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था, अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। खवातीन को अपने जिंदगी के बेसिक नेसेसिटीज के लिए वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है जो मुझे प्यार देते हैं। तो जाकिर नायक नहीं, जाकिर नालायक बोल रहे हैं आजकल, हमने उसका नाम चेंज कर दिया। मोदी ने अगर कोई ठीक है काम ठीक किया वो ये किया कि जाकिर नायक को इंडिया से निकाला, इनका वीजा खत्म कराएं, वापस भिजवाएं इनको लाहौर में, या बोलिए कि पाकिस्तान में लग रहे हैं नारे कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। और ये नारे लग रहे हैं किसके लिए? ये नारे लग रहे हैं जाकिर नायक के लिए। जाकिर इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल उनको दे रही है और वो आके इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, तरह की बातें कर रहे हैं, फीमेल एंकर के साथ नहीं बैठना चाहिए, मतलब 20 मिनट देखें तो क्या, मतलब इस किस्म की बहुत ही वल्गर किस्म की लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं। बड़ा ही पैथेटिक आइडिया था वैसे मुबशर लुकमान साहब, और वो इतनी हॉलो पर्सनैलिटी निकला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं जाकिर नायक स्टेट गेस्ट के तौर पे पाकिस्तान में आया हुआ है। जाकिर नायक ने एक इंटरव्यू में एक महिला एंकर के सामने ये बोला कि महिलाओं को कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि महिला के सामने मर्दों के दिल में कुछ होने लगता है और अगर मर्द के दिलों में ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो मर्द नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी अश्लील बातें की वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने बवाल मचा हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको देश से बाहर निकालो। मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि भारत ने इसको बाहर निकालकर सही किया, हमको भी इसको लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जाकिर नायक को इनवाइट किया था लेकिन आज वही गवर्नमेंट अपने सर पकड़ लिया है और बोल रहा है कि किस जाहिल को हमने बुला लिया, ये हमारी बेइज्जती हमारे घर में ही आकर कर रहा है। जाकिर नायक पाकिस्तान में जाके पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मोदी ने इसको क्यों बैन किया था। बताया जा रहा है कि अब मलेशिया की गवर्नमेंट ने भी इस पे बैन लगा दिया है। अच्छा, ये किसका आइडिया था जाकिर नाइक साहब को इनवाइट करने का एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान में, यानी कोई कभी रह गई थी? बड़ा ही पैथेटिक आइडिया था वैसे मुबशर लुकमान साहब, और वो इतनी हॉलो पर्सनैलिटी निकला है कि सर्टनली उसका जो इमेज देखें दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब वो यहाँ पहुंचे और उसके हमने देखा है तो वो तो बहुत ही मेरा हमेशा से ख्याल था, लेकिन असल में जब दीन की बात आती है ना तो लोग सुनते नहीं है, वो कहते हैं यार अच्छी बात कर रहे हैं, वो लोगों को असलियत नहीं पता होती। क्या बात है कि आप 20 मिनट तक अगर लड़की को देखें और अगर आपको कुछ ना हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं? अरे ये डॉक्टर साहब ने अपने देखे तो आपको कुछ होगा यार, ये क्या फजूल बात है। एक्चुअली मेरी माँ बहन ना भी और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने ऊपर काबू है और मेरे किरदार में ना। आप एक सिविलाइज सोसाइटी में आप हर लड़की को एज सेक्सेबल तो नहीं देखती हैं? और क्यों देखें, गलत बात है, आपकी तरबियत आप क्यों नहीं है, को काम करती हैं जो करती हैं, मतलब इतना बिलो एवरेज आदमी निकला है। अफगानिस्तान के तालिबान के कभी का आदमी निकला है नहीं अपना, वो मुझे किसी ने कहा एक कमेंट आया हुआ, मैंने कल उनके ऊपर एक वीलॉग किया तो काफी उस पर लोगों को कुछ को इतराज भी है, तो एक कमेंट, लेकिन एक किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया उन्होंने कहा तुम एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री से हो, वहाँ पे एक अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट आता है, तुम लोग सडनली लिबरल बन गए, उस आदमी का ये तुम लोग। लेकिन हमारे
मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें सूट ऑफ फंडामेंटलिस्ट चाहिए तो हमारे पास कमी है इस किस्म के मौलवी, तो हमारे पास इनकी कोई कमी मौजूद है? हमें बात चला रही की क्या मौलवियों में मैं मेरा अपना रब्ता रहा है जी बचपन से अभी तक उलमाए दीन से, और मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में इस धरती पे अल्लाह ने बहुत बड़ा बड़ा आलिम, बहुत बड़ा बड़ा मुफक्किर दिया है। मौलाना मौदूदी देख लें आप, मुफ्ती महमूद साहब को देख लें, मौलवी अब्दुल हक को देख लें, मौलाना अहमद अली लाहौरी को देख लें, उबैदुल्ला अनवर साहब को देख लें आप, वो जो है मैं आपको कितने नाम गिनाऊं? वो बात ठीक है, और उनमें से कोई गजनवी साहब को देख ले, कोई इनमें से जो है वो ऐसा नहीं था जो को एग्जिस्टेंस के खिलाफ किसी किस्म की। आई एग्री विद यू, आई एग्री। ये तो सतही लेवल की प्रचार कर रहे हैं, और कितने दिन का यार ना खत्म कराए, एक्सपोज हो गया, चैप्टर एंड हो गया ना जी, एक्सपोज हो, एक्सपोज हो गया बुरी तरह। मैंने अब तो लॉक किया था उसने कि हम बाकी इसमें निकाल। आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि मोदी ने अगर कोई ठीक का एक काम ठीक किया वो ये किया कि डॉक्टर नाइक को इंडिया से निकाला। आप शबन का खत्म करा रहे हैं ये मुझे बता, क्या चीज खत्म करा रहे हैं? इनका वीजा खत्म कराएं, वापस भिजवाएं इनको। बस अब जो दौरा तय हुआ है वो जा रहे हैं, आपको बताया। और देखिए आप इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल उनको दे रही है और वो आके इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की। हाँ, वो अपने आप को कुछ बहुत ही बहुत बड़ा मुफक्कर समझने लगे हैं, और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की सॉइल बहुत फर्टाइल है उनकी फॉलोइंग के लिए, और वो यहाँ के बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर बन सकते हैं, उनकी बड़ी यहाँ पे मांग है। उनको ये नहीं पता कि इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान में बड़ा फर्क है, हम लोग को खड़ा होना आता है अपने मजहब के लिए। को जाकिर नायक नहीं, जाकिर नालायक बोल रहे हैं आजकल, हमने उसका नाम चेंज कर और ये क्रेडिट भी मुझे जाता है, मैंने उसका नाम जाकिर नालायक कर दिया। तो वो जी बिल्कुल आया हुआ है, और कोई खास लिफ्ट नहीं कराई जा रही है, अलग बात है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जी बहुत रश लग गया उनकी जो जो भी उनकी गैदरिंग होती है। तो सर 26 करोड़ की आबादी में जाहिर इतने लोग तो पहुंच ही जाएंगे, इस किस्म के आदमी को आप लोगों के यहाँ इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही थी कि आप लोग जा कर उसके पाँव छू रहे थे जाकिर नाइक के। ये मुझे फर्स्ट टाइम मतलब मैंने सुना था, मुझे बहुत हैरत हुई और अजीब भी लगा कि इस आदमी को तो जूते मार कर निकाल देना चाहिए था। अब हमारे यहाँ जब आया है तो मेरा ख्याल है दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार आए और दोबारा नहीं आएगा। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फीमेल एंकर के साथ नहीं बैठना चाहिए, मतलब 20 मिनट देखें तो क्या, मतलब इस किस्म की बहुत ही वल्गर किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और पता नहीं बम्बई के हैं कि कहाँ के ये, क्योंकि लैंग्वेज तो वही है वो जो मुन्ना भाई में होती है ना, आ ले रहा है, जा ले रहा है, खा ले रहा है। मुझे तो लगता है आपके कंट्री में किसी ने बोल रहा है मार लेना है। बिल्कुल वो मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो थी ना संजय दत्त की, वो वाली लैंग्वेज है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आपने रेड कार्पेट दिया, एक जिहादी माइंडसेट का आदमी है वो तो आपको पहले ही पता था, और आपको ये लगता था कि ये आएगा। पाकिस्तान ने एक ही मकसद के लिए इसको बुलाया, वो हम सबको पता है कि ये भारत के खिलाफ वहां पर आग उगलेगा, और कोई मकसद नहीं था, ये हमें भी पता था। भारत में ये भागा हुआ आदमी है, भारत आ नहीं सकता, भारत से डर लगता है क्योंकि पता है कि मोदी जी हैं ऐसे ठोकेंगे इसके पिछवाड़े में कि बंदर की तरह लाल हो जाएगा परमानेंटली।